हेलो फ्रेंड, आज हम एक नया इंडक्शन बोर्ड फिटिंग करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स ओपन कर लेते हैं। ये इसका स्विच बोर्ड है। फिर हम मदरबोर्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिटिंग करते हैं। ये मेरा ओपन हो गया है बॉक्स। चलो फिर कनेक्शन करते हैं। हम अच्छे से फिटिंग कर लेंगे बोर्ड को। फिर फैन का कॉर्ड लगा देंगे। 18 वोल्ट का फैन है मेरा। फिर हम न्यूट्रल फेज को लगा देंगे। फिर हम कोयल का वायर लगा लेंगे, इन आउट वायर। तो ये मेरा वायर सिस्टम था, तो स्क्रू सिस्टम नहीं है। तो हम वो पिन खोल लेंगे, इन आउट का पिन। इन आउट का पिन खोल के अच्छे से हम सोल्डरिंग कर देंगे। मेरा पिन आउट ओपन हो गया। फिर हम इन आउट वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। ज़रा भी लूज होना नहीं चाहिए, अच्छे से सोल्डिंग करना होगा इसको। पता नहीं कौन सा इंडक्शन आया था जिसका कोयल सोल्डरिंग सिस्टम है। बजाज क्रोनटो ने सब में तो स्क्रू सिस्टम होता है। इसको अच्छे से सोल्डरिंग करना होगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। लूज कनेक्शन होगा तो काम नहीं करेगा। कोयल का सोल्डिंग अच्छे से करना होगा। हमारा सोल्डिंग हो गया है। फिर हम इसको फिटिंग करेंगे। फिर ये सेंसर का तार वायर लगा देंगे। फिर हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एक कीबोर्ड का कनेक्शन लगाएंगे। इस मदरबोर्ड का कीबोर्ड अलग से आता है। फिर हम इसमें सप्लाई देंगे। सप्लाई एक देखो लाइन आ गया। हाँ फ्रेंड, इसका लाइन एक बार आके ऑफ। इसका फैन खराब है, हमको देख के डाउट हुआ था। तो हम इसका फैन चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो हम इसका फैन लगा लिए। फिर इसको फिटिंग करके सप्लाई देके चेक करते हैं। देखिए कैसे हम इसका स्विच बोर्ड फिटिंग किया है। इसको लगाना बहुत आसान है। इसको अच्छे से डबल टेप से चिपका देंगे। कीबोर्ड का वायर हम थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। फिर हमारा फिटिंग हो गया है। चलो हम सप्लाई देके देखते हैं। देखो हमारा एकदम लाइन आ गया है। तो इसका हम हीट करते हैं। देखिए गाइस, हमारा वाटर गर्म हो रहा है। अगर किसी को इसका मदरबोर्ड चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए।
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है,